आ जाओ इधर। रेफरी के द्वारा सिक्का उछाला गया और टॉस जीता है प्रथम आश्रम वर्ग ने। अब देखना यह है कि ये क्या निर्णय लेते हैं, ये बल्लेबाजी करेंगे। प्रथम आश्रम वर्ग के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, स्वाभाविक है द्वितीय आश्रम वर्ग क्षेत्र रक्षण का कार्य करेंगे। दोनों बहुत बहुत शुभकामना। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि हार जीत गौण है, महत्वपूर्ण है खेल। आश्रम वर्ग की टीम अपने कप्तान शिव के नेतृत्व में पीले ड्रेस में मैदान पर उपस्थित है और राजाचल पांडे जी, खेल प्रभारी विदुशेखर जी, श्री विनोद टोपो जी, मुकेश जी, पारसनाथ प्रसाद जी मैदान पर खिलाड़ियों को शुभकामना देने और परिचय प्राप्त करने के लिए आते हुए। बहुत बहुत शुभकामना दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को। उमदा खेल, अजीत कहाँ है? अजीत ये डायरेक्शन हो तो ज्यादा अच्छा है जी जी। इधर अब यादगार के लिए फोटोग्राफी का एक जरूरी काम प्रगति पर है मैदान पर। जहां देखा शुरू कर देते हैं। आश्रम वर्ग अर्जुन आश्रम श्रीमती ममता कुमारी एवं आनंद आश्रम की माता जी श्रीमती रुंगम देवी जी। नास्ति भूयसि परंतु शनै शनै ते आगमिष्यन्ति यत्र वो वले क्रीडायाः प्रारम्भः सम्प्रति जायते। अद्य क्रीडायां निर्णायकरूपेण श्री अतुलरञ्जननेता महोदयः, अपरश्च श्री वसन्तकुञ्जी महोदया, एकः छात्रः धावन् बल्लकेन प्रहारः कृतः,
आनंदम अनुभवन्तः सर्वे प्रेक्षकाः समुत्साह युक्ताः दृश्यन्ते। अत्र गणकाः अपि अधिमञ्चं सन्ति। अपरस्य अयं सफलः जातः मल्लकः। यादृशी क्रीडा चलति साम्प्रतं मनोहारिणी विद्यते। अयं पुनः चलति गेन्दं पातितं पुनः धावति धावति किं भविष्यति। एक भावनांकः अर्जितः। प्रसन्नाः दृश्यन्ते अनुभूयन्ते। प्रथम आसन वर्गस्य इतिहासं तु अतीव गौरवास्पदम्। क्रिकेट स्पर्धायां पुनः प्रहारः कृतः वल्लकेन एकः भावनांकः। इदानीम् अयं खेलः न अपरः। पुनः पुनः प्रहारः कृतः किं भविष्यति। धावन् घातितः स्पर्धायां किं किं भवति सर्वे जानन्ति। तत्र कियत् बालिकाः अपि नृत्यन्ति। परन्तु अत्र विद्यालयः अस्ति अत एव एतादृशी योजना नास्ति। पुनः प्रहारः कृतः किं किं जातम्। इदं चतुष्कं निर्विवादं चतुष्कं। गौरवकुमारः वल्लकः अस्ति। स एव बहिर्गतः स एव बहिर्गतः गौरवकुमारः। यस्य कृते सर्वे छात्राः प्रसन्नाः भवन्ति स एव छात्रः बहिर्गतः क्षेत्रात्। दुःखस्य विषयः फैजल नाम छात्रस्य एकत्रिंशत् धावनाङ्कः। किं घोष्यते अस्ति कीदृशं ध्येयं कीदृशं लक्ष्यं कीदृशं टार्गेटं स्थापयिष्यति। छात्राः उत्सुकाः सन्ति। पुनः विद्यालये प्रान्तः सम्यक् अवरुद्धं प्रक्षेपकः चिरञ्जीवी मनीषः। चिरञ्जीवी मनीषा किं करिष्यति पश्यन्तु पश्यन्तु। वयमपि समुत्सुकाः। इदं कन्दुकं परिगतं पुनः गृहीतं तु परन्तु पातितम्। पुनः विद्यालये पश्यतः पुनः किञ्चित् जातम् अत एव प्रत्यावर्त्य पुनः आगमिष्यति पुनः आगमिष्यति। अत्र स्तूभरक्षकः तिष्ठन् अस्ति। स्तूभरक्षकः स्तम्भरक्षकः विकेट् कीपरः। अत्र अमनकुमारः चिरञ्जीवकुमारः धावन् 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 नो कन्दुकं नो कन्दुकं निर्णायकेन नो कन्दुकम् उद्घोषितं नो बाल् वैड् वै नो कन्दुकं वैड् बाल् वैड् बाल् दिग्विहीनं गन्धं दिग्विहीनं कन्दुकं यथा रक्षित राजेन अहं परामृष्टः यत् दिशाविहीनं गन्धं दिशाविहीनं पुनरपि पुनरपि भविष्यति किं न। निर्णायकाः तु क्रूराः भवन्ति क्षेत्रे। निर्णायकाः तु कस्यापि पक्षे स्वनिर्णयं विवेकेन ददाति। अयं कः महोदय बहु सम्यक् प्रक्षेपणम्। गौरवः तु प्रहारं करिष्यति। निर्णायकेन सङ्केतः दत्तः।
धावन 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 नो कंदुकम घोषितम श्री विनोद क्या नाम उनका वसंत तुर्की श्री अतुल रंजन एका महोदय निर्णायक अस्त अद स्पर्धायां एक निर्णायक श्री वसंत तुर्की महोदय अस्त अयं तो कनीया छात्र प्रतीयते कंदुकम प्रक्षिपति प्रयास चलती किं चक्रम चलती षष्ठ प्रयास चलती षष्ठ प्रयास चलती सम्यक गृहीत सम्यक अवरुद्धम सम्यक खेलितम जदा कोपि वल्लकः बहिर्गमिष्यति कंदुक परि नियंत्रणम तु आवश्यकम यदा दिशा विहीनम भवति कंदुकम तर्हि अपरस्य पक्षस्य कृते लाभप्रदा भवति अनेन पुनः प्रहार कृता किं भविष्यति किं भविष्यति तावत् अहं विरमामि अस्य प्रक्षेपणस्य अन्ते एव तु असफलः जातः स वल्लकः असफलः जातः शीतवस्त्रैः सुशोभिता द्वितीय आसन वर्गस्य क्रीडकाः नीलवस्त्रैर्भूताः प्रथम आसन वर्गस्य अध्यवासिनः तेन छात्रेण तेन वल्लकेन प्रहारः कृतः चतुष्टं पुनरपि चतुष्टं अर्जितं प्रथम आसन वर्गेण मन्ये पञ्चषष्टि धावनाङ्का अर्जितः सप्तमं चक्रं चलति सप्तप्रयासस्य परियासस्य चतुर्थ किं जातं सप्तम तत्र निर्णायकेन सप्तम इति दत्तापेन महोदयेन संकेत दत्त बिल्कुल सही कहा रक्षित आपने जैसा कि श्रीमान जी ने कहा कि ओवल इस दुनिया में मात्र दो जगह है एक इंग्लैंड में और दूसरा भारत में कहीं अगर है तो वो नेतरहाट में ही है आज हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला श्रीमान जी से संस्कृत तो हम लोग कक्षाओं में पढ़ते हैं लेकिन उद्घोषणा अगर संस्कृत में हो रही है उद्घोषण तो इससे हमें ज़्यादा लाभ मिलता है बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमेंट्री बॉक्स में छात्र का गिफ्ट है अमन आदित्य टुडू शुभांशु राय जो कि हमारा साथ देंगे इस मैच में अनस आपको क्या लग रहा है इस मैच को देखने के बाद जिस तरीके से गगन कुंभू छक्का मार रहे हैं गगन गौरव नाम से प्रसिद्ध इस नेतरहाट विद्यालय में यह स्कोर कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है a very easy ball for him to score 6 runs. With the help of the 6 runs, the total score of the team is 158 and it was a wide ball. I think the bowler is now becoming nervous and it happened efficiently. Then you cannot help yourself. It was a nice ball but he played it for 1 run. So after कि ये थोड़ी सी जो ठंडी ठंडी हवाएं ये कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है फिर से एक राउंड विकेट लेकिन कुछ इशारा अंपायर का और रुके बॉलर अजीत खेलने में भी माहिर हैं और शायद कुछ रणनीति के साथ फेंकेंगे फिर से एक बार शॉर्ट लेंथ के साथ फेंक रहे हैं और एक बार फिर से मारने का प्रयास और वहीं पे कौन है और जब तक ये बॉल को फेंकते फिर से एक बार थ्रो किया फिर मुझे लगता है कि दौड़ने का प्रयास करेंगे लेकिन यहाँ फील्डर मौजूद है एक ही रन से इनका
संतोष होना पड़ेगा ओवर की गेम एंड व्हाट विल बी द टारगेट नाउ द बैट्समैन इज रेडी विद हिज नेक्स्ट बॉल इट वाज अ यू नो बॉल दैट वाज सिग्नल वाइड बाय द अंपायर विद द हेल्प ऑफ दिस वाइड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट श्रीमान जी टू से समथिंग रिगार्डिंग दिस मैच श्रीमान ये मैच का पहला सेशन अब एक सौ इक्यासी और एक बार फिर से हमारा है गेंद बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए कोई मौका नहीं गेंद को भांजते हुए जी हाँ गौरव आज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं नब्बे के ऊपर रन बना चुके हैं अब देखना है कि वे गेंदबाजी कैसे करते हैं ज्योति आश्रमर को अपने दोनों ही ओपनर से काफी उम्मीद है मनीष और कनल और एक दिशाहीन गेंद वाइट एक अतिरिक्त रन और गेंदबाज के रूप में फैजल जी मैं बताता चलूं कि फैजल जी बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन विगत खेलों में दिया है जी बिल्कुल अंकित दिशा से भटकी हुई गेंद फैजल की पहली गेंद विद्यालय की ओर से कहीं ना कहीं और ये पुनः दिशा से भटकी गेंद एक अतिरिक्त रन द्वितीय आश्रम वर्ग को यहाँ एक भी बिना गेंद खर्च के सात रन ले सकता जा सकता है यह अभी सिर्फ दो रन है और ये चरण का बहुत बढ़िया शॉट लाजवाब शॉट चार रनों के लिए किरण अपने निजी स्कोर 61 रन पे दो विकेट गिर चुका है यहाँ पे द्वितीय आश्रम वर्ग का और अब द्वितीय आश्रम वर्ग को 16 रन प्रति ओवर की आवश्यकता इस मैच में जीत हासिल करने के लिए और इस वक्त दबाव में द्वितीय आश्रम वर्ग के खिलाड़ी यार द्वितीय आश्रम वर्ग के खेमे में से जोर जोर से आवाज आ रही है कोई नहीं टक्कर में सब पड़े हैं चक्कर में और ये दिशा से भटकी हुई गेंद एक अतिरिक्त रन और कहीं ना कहीं द्वितीय आश्रम वर्ग अपने एक बल्लेबाज अजीत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है दोनों छोर से विद्यालय छोर और पंचवटी छोर दोनों छोर से लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज जी बिल्कुल गौरव लगातार पंचवटी छोर से अच्छी गेंदबाजी लेकिन मैं बताता चलूं कि ये पिछले मैच के सुपरस्टार थे इनके स्कोर पर 3 मिनट की समाप्ति और फिर से मौजूद टूर्नामेंट में पहला जो